और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां बारिश का कहर जारी है। बरसात से जनजीवन प्रभावित है। बलौदा बाजार में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां सिमगा विकासखंड में दरचूरा बांध टूट गया, जिससे सड़क पर बारिश का पानी भर गया। कई गांव को जाने वाला रास्ता बंद हो गया। यहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बांध टूटने के बाद आसपास के इलाके में पानी भर गया है। बांध के ऊपर से लगातार पानी दूसरी तरफ आ रहा है। यहां आसपास खेत डूब गए हैं। पानी बड़ी तेजी से सड़कों के ऊपर से बह रहा है। सड़क के दूसरी तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। योगेश यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर किस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। देखिए, आपको बता दूं कि बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश हो रही है। देख सकते हैं पुल की स्थिति, आप देख सकते हैं कुछ ही फीट यहां पर बाकी है, लगभग 5 से 8 फीट, उसके बाद पुल जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बलौदाबाजार जिले में सिमगा में आज एक बड़ा हादसा हुआ है, जो बांध है पूरी तरह से टूट चुका है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, यहाँ पर अगर पुल पर पानी चलेगी, लगातार बारिश हो रही है, तो कैसी स्थिति हो जाएगी? सर, यहाँ पे पुल में पानी जाने पे हमारे ग्रामवासी और व्यापारी वर्ग और आने आने जाने वालों को बहुत परेशानी होता है। और अभी हम देख रहे हैं लगातार घंटे में 1 फीट के लगभग बढ़ रहा है। और अभी शासन प्रशासन यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो दिक्कत तो है। पंचायत टीम यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी है, यहाँ के युवा हैं, वो बता रहे हैं कि दिक्कत है। एक बार और स्थिति दिखाना चाहते हैं। पुल से कई गाड़ियां यहाँ पर आती जाती है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा समेत कई जिलों का संपर्क यहाँ टूट जाता है। हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के बाद आपको बता दें कि लगातार जो प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन अभी जो स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रशासन की टीम नहीं है। और वही बता दें कि जिस तरह से जिले में बाढ़ की स्थिति यहाँ पर है, कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा सकता है कि ऐसी ही लगातार कोई बारिश होती रहे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बताइए, यहाँ पर पुल आपकी जब जो पानी चलेगी तो कैसी स्थिति हो जाएगी? पानी चलने पे सारा आवागमन रुक जाता है, और इससे बहुत लोगों को दिक्कत होती है। स्कूल वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जो शिवरी नारायण पढ़ने जाते हैं उनका स्कूल काफी दिनों से बंद हो जाता है, जिससे आपको नुकसान। रोजाना कई लोगों का इस जगह से उस जगह व्यापारी लोग रहता है। आप बताइए कैसी स्थिति होगी अगर पुल के ऊपर पानी हमेशा चलती है? बहुत दुखद हो रहा है यहाँ पर, और हमेशा परेशानी जाते रहते हैं, और व्यापारी परेशान रहते हैं हफ्ता 10 दिन तक के यहाँ, और आसपास के बस के यहाँ कम से कम 25 से 30 किलोमीटर के पड़ने आते हैं, उसको बाधित होता है यहाँ पर। देख सकते हैं लोगों का साफ तौर पर कहना है, हम दिखाना चाहते हैं एक बार उस पुलिया को जो बलौदा बाजार जिले और शिवरी नारायण है, और साथ ही साथ जांजगीर चांपा बिलासपुर कई जिलों को जोड़ती है। कहीं ना कहीं अगर बारिश का पानी ऐसे ही लगातार होता रहा, कहीं ना कहीं ये पुल के ऊपर पानी चलने की स्थिति बनेगी, और फिर लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लगातार ऐसी स्थिति होती रहती है, जब भी बारिश होती तब भी ऐसी स्थिति होती रहती है। वहीं आपको बता दें कि आज जो सिमगा में जो बांध टूट गया है, उससे कहीं ना कहीं गांव की सड़कों पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कहीं ना कहीं लोगों का वहां पर जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। बलौदाबाजार जिले के कई नदियों, चाहे महानदी की बात करें, शिवनाथ नदी की बात करें, चाहे जोग नदी की बात करें, उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन की टीम द्वारा अलर्ट जारी किया गया। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो बारिश के कहर की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। सैलाब का सितम देखे, कैसे मझधार में है जिंदगी। एक शहर में छात्रा बाढ़ के पानी में फंस गई, दूसरे शहर में 3 लोग रपटे में बह गए, जिसमें से 2 का सुराग मिला, लेकिन 1 की तलाश जारी है। और क्यों इस सैलाब में जान जोखिम में डालने को मजबूर है छात्र, ये भी जान लीजिए। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर दे रही है। कोचिंग से लौट रही छात्रा पुलिया क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी उसकी जान पर बनाई। छात्रा पुलिया पार कर ही रही थी कि तभी अचानक पुलिया पर बाढ़ आ गई। तेज बहाव में पानी और उसके बाद मझधार में फंसी जिंदगानी। खरगोन के बेड़िया थाना इलाके के भुलगांव की ये तस्वीर है। प्रशासन ने पुल पुलिया पर बाढ़ का खतरे का अलर्ट जारी किया था, पुलिया से नहीं निकलने की चेतावनी दी थी। दरअसल भुलगांव में चीतल नदी उफान पर है, लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ा और ऐसा खतरा मंडराया कि छात्रा पुलिया में फंस गई।
इधर गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और छात्रा के लिए ये लोग किसी देवदूत से कम नहीं थे। छात्रा जब इस खतरे से बाहर निकली तब जाकर सबकी जान में जान आई। खरगोन के बाद ये तस्वीर मैयर की है। यहाँ भी सैलाब का सितम देखने को मिला, बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। पिछले 48 घंटे से जिले में तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाके में नदी नाले उफान पर है। सेमरा गांव में पहाड़ी रपटा पार करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। पैर फिसलने से यहां एक व्यक्ति बह गया, जिसे बचाने उसके दो साथी आए जो साथ ही चल रहे थे। तीनों इस तेज धारा में बह गए। दो लोग तो किनारे लग गए लेकिन एक का सुराग अभी तक नहीं मिला है। SDRF की टीम लापता शख्स की तलाश कर रही है। इधर खतरे के बीच पुल नहीं होने से स्कूली बच्चे नदी पार कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कांकेर के रानी डोंगरी और गावड़े पारा के बीच दुमुहान नदी पार कर बच्चे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। मॉनसून के एक्टिव होने के बाद से ही नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों के उफान पर आते ही ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क भी टूट जाता है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्रा इस तरह नदी पार कर स्कूल रोजाना पहुंचते हैं। जरा सोचिए यहाँ कितना रिस्क है। और अब जबलपुर की तस्वीर। जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर जलमग्न रेल पटरियाँ। जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र के डुंडी रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रेल ट्रैक पर 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। ट्रैक पर पानी होने के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। रेल ट्रैक पर पानी भरा होने के चलते लोको पायलट ट्रेन को बेहद धीमी गति पर चला रहा है, जबकि ट्रैक मैन ट्रेन के आगे पैदल चलते हुए पटरियों की जांच कर लोको पायलट को निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। ये चारों तस्वीरें कह रही हैं बारिश में जरा संभल कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में मॉनसून जमकर बरस रहा है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं, तो वहीं रायगढ़ के पास समंदर की लहरों में एक मालवाहक जहाज फंस गया। इसमें 14 लोग सवार थे। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लहरों के बीच फंसा जहाज, फंसे लोगों को बचाने आया हेलीकॉप्टर, समंदर में बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमानी सितम से गांव शहर सब पानी में समा गए हैं। महाराष्ट्र में भी आसमानी कहर दिखाई दे रहा है। पुणे शहर में तो सड़कों पर दरिया बह रहा है, समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उसका शोर डराने वाला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तट के पास में समंदर की लहरों ने एक मालवाहक जहाज का रास्ता रोक लिया। उफनती लहरों ने जहाज पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। समुद्र में उठे तूफान के बीच में एक स्टील कंपनी के मालवाहक जहाज का इंजन खराब हो गया था। जहाज में चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। सभी की जान खतरे में पड़ गई। सभी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई चमत्कार ही समंदर से निकाल सकता था। जहाज के फंसने की खबर तटरक्षक बल को मिल चुकी थी, जिसके बाद में कोस्टल गार्ड ने मोर्चा संभाला। विपरीत हालातों के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग ही एकमात्र विकल्प बचा था। इसके बाद में कोस्टल गार्ड का हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर मंडराने लगा। हेलीकॉप्टर को देखकर जहाज में फंसे लोगों की जान में जान आई। इसके बाद में हेलीकॉप्टर मालवाहक जहाज के डेक पर उतरा और फिर शुरू हुआ वहां से लोगों को निकालने का सिलसिला। हेलीकॉप्टर से एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित अलीबाग के तट पर उतारा गया। इस तरह से सभी 14 लोगों की जान बच गई। इस मिशन में कोस्टल गार्ड के अलावा रायगढ़ पुलिस भी शामिल रही। बचाए गए लोगों ने बताया कि बचने की उम्मीद बहुत कम रह गई थी।
समंदर में तेज हवाएं चल रही थी, मौसम खराब होने की वजह से दिखाई भी कम देने लगा था। कहा जा सकता है कि भारी बारिश की वजह से अलीबाग समुद्र तट पर मालवाहक जहाज रास्ता भटक गया था। ये जहाज गुरुवार को सुबह 25 जुलाई को धर्मताल बंदरगाह से जयगढ़ बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था, लेकिन समंदर में उठ रहे तूफान के बीच में जहाज में तकनीकी दिक्कत आ गई और ये लहरों के बीच में फंस गया। जहाज कोलाबा जिले से कुछ दूरी पर फंस गया था। लेकिन तटरक्षक बल के जवानों ने बेहद तत्परता दिखाते हुए बड़े रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। वहीं स्टील कंपनी ने भी सभी सदस्यों के सलामत होने की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।